लोकसभा में जेएनयू के मुद्दे पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी सड़क पर तो खूब बोले, लेकिन सदन में चुप्पी साधे रहे और बस कोरस के सिंगरों की तरह बीच बीच में जुबान चला ली और अपने चाटुकार नेताओं को राय दे दी। खैर, लोकसभा में जेएनयू के मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे थे और सरकार को घेर रहे थे। हमने कभी भी इतिहास में किसी भी विश्वविद्यालय में ही देखा है कि भारत सरकार का इतना हस्तक्षेप हो एक विश्वविद्यालय के कार्य प्रणाली के आधार पर। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने कहा शिक्षित हो। सुन लीजिए, आपकी भी बारी आएगी। संगठित हो और अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज को उठाओ। और एक तरफ यह सरकार बाबा साहब अंबेडकर की मूल्यों की प्रचार कर रही है और बाहर जाकर दलितों के ऊपर अत्याचार कर रही है। ये इनकी कथनी और करनी में अंतर। और अध्यक्ष महोदय, असलियत इस सरकार की इनका पर्दाफाश धीरे धीरे जरूर हो रहा है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, हमारे प्रधानमंत्री साधारण तौर पर हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, लेकिन इस नौजवान छात्र के आत्महत्या पर 5 दिन बाद इन्होंने चुप्पी तोड़ी। पांच दिन बाद, और वो भी जब ये एक विश्वव्यापक मामला बन चुका। और जब मन की बात का समय आया तो एक शब्द इस नौजवान के बारे में चुप्पी तोड़ी। मां भारती के उस लाल को तो हम उनकी मां के यहां नहीं वापस लौटा सकते, लेकिन कम से कम अगर उसकी आत्मा को शांति देनी होगी तो इन मंत्रियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। सवाल सिंधिया ने तो उठा दिए, लेकिन जवाब देने की बारी अब नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री स्मृति ईरानी की थी। स्मृति पूरे तैयारी से आई थी और जवाब के लिए हर शब्द सिंधिया को बेबस कर रहा था और साथ ही सवाल भी कांग्रेस के लिए खड़े कर रहा था। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं और ओएसी साहब राजनीति के दो छोरों पर खड़े हैं। आंख से आंख शायद राजनीति की दुनिया में हम कभी नहीं मिलाएंगे, लेकिन ओएसी साहब ने मुझे एक पत्र लिखा। मैंने कोई एहसान नहीं किया, अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि एक अट्रोसिटी हो रही है, अपॉइंटमेंट है लेक्चरर का, मोहतरमा आप देखिए। ओएसी साहब, आपके पत्र के लिए भी मैंने नहीं बल्कि मंत्रालय ने लिखकर मैं एक सेकंड, जवाब सुन लीजिए ओएसी साहब, मैं आपके पत्र का जवाब दे रही सर। वही तो बात है, मुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है क्योंकि मेरे विभाग ने पत्र लिखा। ओएसी साहब के पत्र के लिए हमने गुजारिश की 17/10/2014, 30/1/2015। मंत्री को करना होते हैं। अध्यक्षा महोदया, एक He is not saying that she has done something great. Question was raised, why the minister is interfering? Why she is writing letters? So she is explaining. मैं उसका जवाब दे रही हूँ। Not one person. महोदय, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। Number of people have written letters from all parties. That's what she is saying. महोदय, मैं जवाब दे रही हूँ। उत्तेजित मत होना। मैं आपको, महोदय, As a mother, she has to follow your advice, but try to understand her pain and agony. The way she has been cornered also. दस अगस्त 2015, ओमन चांडी साहब, प्लीज जयप्रकाश जी, केरल के मुख्यमंत्री डॉक्टर शशि थरूर, कांग्रेस के एमपी, एचआरडी के पूर्व मंत्री, उन्होंने भी कई निवेदन भेजे और हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उस लेटर को आगे बढ़ाया कि जवाब देने में हमारी मदद कीजिए। आज यहाँ पर सुगतो बोस नहीं है, उन्हीं की पार्टी के सुगतो रॉय साहब ने बार बार पत्र लिखा। प्रदीप भट्टाचार्य जी ने बार बार पत्र लिखा कि विश्व भारती, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, उसमें कांग्रेस की सरकार ने एक महिला के ऊपर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को वीसी बनाया। न्याय की अपेक्षा इन लोगों ने नरेंद्र मोदी की सरकार से की। भेदभाव नहीं किया,
ये नहीं देखा किस पक्ष के किस नेता ने मुझसे क्या आदेश हेतु अथवा निवेदन हेतु कागज मेरे सामने प्रस्तुत किया, और आज मुझ पर भेदभाव का आरोप लगाया जाता है। अगर आरोप ही लगाना होता महोदया, तो जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं भी आरोप लगा सकती थी। एक बच्चे की मृत्यु होती है और उस मृत्यु के ऊपर राजनीतिक द्वंद्व होता है, लेकिन देश का ये जानता है कि जिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बैठकर ये निर्णय लिया कि रोहित को बर्खास्त किया जाए, उस काउंसिल के एक भी मेंबर को एनडीए की इस सरकार ने अपॉइंट नहीं किया, यूपीए की सरकार ने अपॉइंट किया था। हमने अपॉइंट नहीं किया, फिर भी उस कमिटी ने, यह देखते हुए कि हमारे मध्य में कोई दलित फैकल्टी मेंबर नहीं है, दलित फैकल्टी मेंबर को कोऑप्ट किया। चीफ वार्डन वो स्वयं दलित हैं, उन्होंने बच्चों को समझाया और अपने निर्णय को उन तक पहुंचाया। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा जवाब अब पूरा होने दीजिए प्लीज। इसमें प्लीज टेक योर सीट नाउ। आज मैं कहना चाहती हूं मैडम, डोंट आंसर। जब इस घटना के बारे में मैंने सार्वजनिक बयान दिया, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, तब मैंने कहा ओनली मिनिस्टर कि इसको जाति की नजर से मत देखो। मैंने एक बच्चे की बात की, एक दलित छात्र की बात नहीं की। मैं चुनौती देती हूं कोई भी मुझे उंगली उठाकर कहे कि मैंने जाति के आधार पर न्याय करने का या अन्याय करने का दुस्साहस किया। मेरा नाम स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूं मेरी जात क्या है बताकर देखिए। नहीं बता सकते। और मैं आक्रोशित आज महोदया इसलिए हूं क्योंकि जो जन्म देती है उस पर तुम खून का इल्जाम लगाओ तो वो स्वाभाविक है कि टूट जाए अंदर से। आई एम टेकिंग इट पर्सनली सर, आई एम टेकिंग इट पर्सनली। आई टेल यू व्हाई, कैसे इस्तेमाल किया इस बच्चे का, उसका आज प्रमाण देती हूं। केसीआर जी को मैंने फोन किया सुबह, जैसे ही मेरे पास घटना की सूचना आई। उनकी सरकार है मात्र ये गुहार लगाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, मदद कीजिए मेरी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। मुझे क्या कहा गया, साहब बिजी हैं अभी बात नहीं कर सकते। मैंने सार्वजनिक बयान नहीं दिया, रिकॉर्ड पर है मेरा कॉल। उनकी पुत्री से भी मैंने इसका उल्लेख किया। मैंने कभी सार्वजनिक बयान नहीं दिया मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, सोचा व्यस्त होंगे, लेकिन आज तक उनके कॉल का इंतजार कर रही हूं, नहीं आया। आई सो सर अलाउ मी टू फिनिश नाउ लेट मी मैडम। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसे ओएसी साहब और मैं गुहार लगा रही हूं मदद की कैबिनेट मिनिस्टर। मैं गुहार लगा रही हूं मदद की कैबिनेट मिनिस्टर। आज मैं कहती हूं और आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि पुलिस ने जो तेलंगाना के हाई कोर्ट में दस्तावेज दिए हैं उसमें क्या लिखा गया है। उसमें यह लिखा गया है कि पुलिस को सूचना शाम को 7:20 को मिलती है। उसमें यह लिखा गया है कि जब पुलिस वहां पहुंचती है मौकाए वारदात पर, एंड आई एम कोटिंग मैडम, माय फ्रेंड्स इन तेलंगाना कैन पॉसिबली हैव एक्सेस टू दैट डॉक्यूमेंट एंड वेरीफाई इट, एंड इफ आई एम रॉन्ग कैन करेक्ट मी। पुलिस ये कहती है दैट व्हेन दे रश टू द यूनिवर्सिटी, नो नथिंग, दे फाउंड द रूम ओपन, डेड बॉडी रिमूव्ड फ्रॉम द हैंगिंग एंड केप्ट ऑन अ टेबल, अ हैंड रिटन सुइसाइड नोट वाज रिटन व्हिच डिड नॉट ब्लेम एनीबॉडी एंड स्पेसिफिकली स्टेटेड दैट नोबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। माय रिक्वेस्ट इज मैडम, दिस इज नॉट माय सबमिशन but that of the police in a state which is not politically, she is not yielding, I know sir, that's why I'm saying if I'm wrong correct me, no nothing।